हेलो गाइस, माय नेम इज गौतम सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल बिलीवर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिकल टूल के अंदर फंक्शन पढ़ने वाले हैं और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस के ग्राफ भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन के डेफिनेशन से। तो फंक्शन का एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इज अ रूल विच रिलेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल क्वांटिटी विद द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल क्वांटिटी। मतलब दो वेरिएबल क्वांटिटी के वैल्यूज को जो रिलेट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। और फंक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है कि फॉर एवरी इनपुट वेरिएबल, मतलब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ इनपुट वेरिएबल देयर इज एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ आउटपुट वेरिएबल। मतलब एक एक्स के लिए एक ही वाई होगा। मतलब दो वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट है। तो हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ x है, इसको मैं बोलूंगा मैथमेटिकली y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं फंक्शन का, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। तो देखिए यही एक फंक्शन है जो x एंड y को क्या करता है, इनके वैल्यूज को रिलेट करता है। मतलब x की वैल्यू अगर आपने 1 डाली तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6 आ रही, 3 प्लस 2 प्लस 1। x की वैल्यू आपने 0 डाली तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। थोड़ा और लॉजिकल वे में समझे तो अगर आप एक जूसर लिए, मान लीजिए आपके पास एक जूसर है ना, तो आपको ऑरेंजेस डालेंगे इधर तो आपको इधर क्या मिलेगा, जूस मिलेगा। सही बात है। अब यहां जो जूस मिलने वाला है, पहली बात तो वो एक्स पे डिपेंड करता है और ये मिक्सर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल में यही है एफएक्स, और जो आप डाल रहे हैं वो क्या है, एक्स, और जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, वाई होगा। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा प्रैक्टिकली अपन ऐसे समझ सकते, क्लियर। अब देखिए जो एक्स होता है इसको अपन बोलते हैं इनपुट वेरिएबल, इसको अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, और ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स को अपन डोमेन बोलते हैं। मतलब एक्स की जितनी भी वैल्यू जो पॉसिबल है, जो यहां पे पुट किया जा सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप डाल सकते हैं। वही फॉर एग्जाम्पल अगर ये लेते हैं y बाय एक्स माइनस वन, देखिए तो यहां x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन x की वैल्यू अगर आपने 1 डाला तो यहां क्या क्रिएट हो जाएगा, 0, एंड 1 बाय 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, सत्यानाश हो जाएगा पूरा। तो समझ में आ रहा है, यहां पे x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो इस बारे जो डोमेन होता वो होता है x बिलोंग्स टू r माइनस 1, दिख रहा है आपको। तो डोमेन का मतलब क्लियर है, वो सारे वैल्यूज ऑफ एक्स जो आप फंक्शन में पुट कर सकते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो एक्स समझ में आ रहा है, इसको इनपुट वेरिएबल बोलते हैं, इसी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, एंड एक्स के सारे वैल्यूज जो अपन यहां पुट कर सकते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। अब अगर वाई की बात करें तो वाई जो है यहां पर आउटपुट वेरिएबल है। दूसरी बात, इसको अपन डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल सकते हैं। और थर्ड पॉइंट जो है, सारे एक्स की वैल्यू को डालने पे जो डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई आएगा उसको अपन क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई इज कॉल्ड रेंज। समझ में आ रहा है? तो रेंज पूरा का पूरा डोमेन पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? जितना भी एक्स अलग अलग डालते जाए, ये डोमेन में जितने भी है उसे जितने भी पॉसिबल वाई आते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो ये बेसिक टर्म आपको समझ में आ रहा है, फंक्शन क्या होता है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो चलिए अब फंक्शन के कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करते हैं, देखिए। और एक एक्स के लिए क्या आएगा, एक ही वाई आएगा। समझ में आ रहा है? एक इनपुट के लिए एग्जैक्टली एक ही आउटपुट आता है। तो एक एग्जांपल देखिए, ये है एफ एक्स की वैल्यू
वाई बराबर एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस फोर। आपको बोला है एफ ऑफ जीरो निकालने के लिए, एफ ऑफ वन निकालने के लिए एंड एफ ऑफ टू निकालने के लिए। तो बहुत ही सिंपल है, एफ ऑफ जीरो क्या होगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां जीरो डाल दीजिए, ये आ जाएगा जीरो स्क्वायर माइनस फोर माइनस फोर। एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां वन डाल दीजिए, माइनस थ्री आ गया। एंड एफ ऑफ टू कितना हो जाएगा, टू का स्क्वायर माइनस फोर जीरो। क्लियर? तो ऐसा तो आप 9-10 में भी इस तरह के क्वेश्चन किए। क्लियर? ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे y इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस वन, और आपको निकालना है f ऑफ टू। देखो ये वैल्यू आपको निकालनी है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, पूरे क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचना है। अपन f ऑफ टू तो निकाल ही सकते ना, y क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y का मतलब एफ एक्स, तो पूरा तो नहीं निकाल सकते, लेकिन अपन f ऑफ टू तो निकाल सकते हैं प्रेजेंटली। ठीक है, तो f ऑफ टू की वैल्यू क्या होगी, देखिए जहां जहां x है वहां वहां टू डाल दीजिए, तो f ऑफ टू की वैल्यू हो जाएगी टू क्यूब माइनस वन, एट माइनस वन कितना आ जाएगा, सेवन। ओके, तो यहां पे अपन सेवन डाल सकते। क्लियर? उसके बाद f ऑफ सेवन तो आप निकाल ही सकते हैं, f ऑफ सेवन क्या हो जाएगा, देखिए f ऑफ सेवन हो जाएगा सेवन क्यूब माइनस वन, तो सेवन क्यूब क्या होगा 49, सेवन नाइन 63, 28 आ जाएगा 343 माइनस वन, तो ये कितना आ जाएगा 342। तो यहां फाइनली आ गया आपका एफ ऑफ सेवन 342। उसके बाद एफ ऑफ थ्री ऑफ टू क्या हो जाएगा, 342 क्या हो जाएगा, सीधा सीधा यहां वैल्यू डाल दीजिए 342 का क्यूब माइनस वन, ये कैलकुलेट करके आप निकाल सकते। क्लियर? ये तो बहुत बेसिक चीज है। अब अपन देखते हैं कुछ बहुत ही स्टैंडर्ड फंक्शन के या इंपॉर्टेंट फंक्शन के ग्राफ। ओके, तो देखिए जो सारे ग्राफ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये स्टैंडर्ड ग्राफ, तो आपको ये सारे ग्राफ क्या होने चाहिए, एकदम याद रहने चाहिए एज इट इज। तो चलिए देखते हैं और सारे आप नोट्स बनाते जाइए। तो पहला अपन देखते हैं लीनियर फंक्शन, तो देखते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स, तो इसका जो ग्राफ आता है वो एक लाइन आता है क्योंकि ये लीनियर, ये देखिए ये x, ये y और ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू x, ये 45 डिग्री। तो अगर x की वैल्यू 1 रहे तो y की वैल्यू 1 रहेगी, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू माइनस 1 तो y की वैल्यू माइनस 1, सिंपल सा बात। तो ये ग्राफ बहुत इजी। दूसरा देखते हैं सिंपल क्वाड्रेटिक फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये देखिए तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, y ये x, तो देखिए x की वैल्यू 1 डाले तो y की भी वैल्यू 1 आएगी, और x की वैल्यू अगर आपने 2 डाला तो y की वैल्यू क्या आ रही है 4, तो 1 2 3 एंड 4 ये देखिए यहां। तो अगर आप इसको ऐसे जोड़ेंगे तो इधर ऐसा ग्राफ आएगा, और सेम ग्राफ इस तरफ भी आएगा ना, x की वैल्यू -1 डालेंगे तो y 1 आएगा प्लस 1, और x की वैल्यू -2 डालेंगे तो 4, तो ग्राफ सेम एज इट इज इस तरफ ऐसे आने वाला दिख रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। क्लियर? तो देखिए इसमें अगर डोमेन रेंज की बात करें तो इसका डोमेन क्या होगा, सारे x की वैल्यू के लिए ये रिलेशन, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सारे रियल नंबर, मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगा, अलग अलग x डालने पर, जैसे x की वैल्यू ये है तो y ये है, y ये है, y ये है, दिख रहा है, तो y की भी कोई भी वैल्यू क्या है, पॉसिबल है। देखो ना, यही तो y की वैल्यू है, ये जो वर्टिकल लेंथ होता है यही तो y की वैल्यू होती है, तो y की वैल्यू 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक जा रही है और नेगेटिव में माइनस इंफिनिटी तक जा रही है, तो डोमेन और रेंज दोनों क्या है, सारे रियल नंबर। देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा बस कंसेप्ट बता रहा हूं डोमेन रेंज का, बाद में आप लोग पढ़ते हैं। इस केस में डोमेन देखिए क्या होगा, डोमेन सारे x की वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ y की वैल्यू तो है ही, यहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है x के ऊपर, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, सारे रियल नंबर, तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, और वहीं रेंज क्या होगा, देखो रेंज 0 से स्टार्ट हो रहा है और बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, प्लस इंफिनिटी। भाई ये वर्टिकल ये जो लेंथ है यही तो y की वैल्यू होती है, तो ये प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है और इधर भी प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है,
तो जो रेंज है, रेंज मैं यहां पे बोल सकता हूं, रेंज बिलोंग्स टू जीरो क्लोज्ड से इंफिनिट, दिख रहा है, जीरो से लेके इंफिनिट, और जो डोमेन है एक्स की वैल्यू वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिट। समझ में आ रहा है? तो डोमेन रेंज की अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे, मैथ्स में पढ़ते हैं, आपको बस ग्राफ याद रखना। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं क्यूबिक फंक्शन का। तो थर्ड ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये कुछ ऐसा आता है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट ग्राफ नंबर 4, y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स का ग्राफ, ये x, ये y। तो देखिए यहां पे जो x एंड y जो है वो एसिम्प्टोट है। एसिम्प्टोट एक ऐसी लाइन होती है जो ग्राफ को कहां जाके मीट करे, इंफिनिटी पे जाके मीट करे। तो देखो ना, ये ग्राफ x की तरफ जा तो रहा है लेकिन टच नहीं कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा, तो इसीलिए x को क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट, और y भी इसका क्या है, एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट का मतलब क्लियर? तो y इज इक्वल टू 1 बाय x का ग्राफ कुछ ऐसा है, क्लियर? नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, y इज इक्वल टू 1 बाय x स्क्वायर। तो ये थोड़ा मोर स्टीपर ग्राफ होगा, ऐसे दिख रहा है, ये y है, ये x। तो 1 बाय x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, और 1 बाय x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, क्योंकि y की वैल्यू यहां पे हमेशा क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। इसीलिए देखो y की वैल्यू ऊपर ही तो पॉजिटिव आएगी, और यहां पे x अगर पॉजिटिव है तो ऊपर, x नेगेटिव है तो नीचे। y में बार बार बोल रहा हूं कि y क्या होता है, वर्टिकल लेंथ होता है। तो देखो अगर x की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो y भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो इन्फिनिटी की तरफ जाता है, ये देखो एक्स जीरो तो इन्फिनिटी, वाई इन्फिनिटी हो जा रहा है, क्लियर। तो ये 1 बाय एक्स का ग्राफ है, ये 1 बाय एक्स स्क्वायर का ग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ ग्राफ, सॉरी सिक्स्थ ग्राफ, y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ। तो रूट एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, देखिए दिख रहा है, ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, ये जो वैल्यू है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए y की वैल्यू देखो हमेशा क्या है, पॉजिटिव, क्लियर। नेक्स्ट थोड़ी थोड़ी चीजें आप ध्यान में रख के ग्राफ याद रख सकते हैं। सेवेंथ ग्राफ है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, y इज इक्वल टू e की पावर x, तो उसका ग्राफ होता है ऐसा, और ये जो पॉइंट आएगी x की वैल्यू अगर आप जीरो रखो तो e की पावर 0.1, ये आएगा 0.1, है ना, ये इंफिनिटी से आ रही है, मतलब ये x एसिम्प्टोट है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। सेवेंथ ग्राफ देखते हैं, सेवेंथ नहीं सॉरी एट ग्राफ देखते हैं, लॉग इन x का ग्राफ, log टू डी बेस की, और ये कुछ ऐसा x, y, ये वैल्यू होगी 1.0। तो ये y इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ है, और ये y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ, क्लियर। चलिए ड्रॉ करते रहिए कॉपी में, पॉज कीजिए, ड्रॉ कीजिए और फिर आगे बढ़िए। नाइन्थ ग्राफ है कॉन्स्टेंट, ये अपने को शुरू में ही ले लेना चाहिए था, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जैसे y इज इक्वल टू 2 दिया है, इसका ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, एक्स की वैल्यू कुछ भी रहे वाई हमेशा क्या आने वाला है, 2 2 2 2 2 2, इसीलिए इस तरह का लाइन आएगा। और अगर अपन एक्स इज इक्वल टू 2 की बात करते तो इस तरह का लाइन आता, क्लियर। अब अपन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ। ओके, तो और 6 ग्राफ देखेंगे बस,
तो देखिए बहुत एग्जांपल है, ग्राफ नंबर 10 है y इज इक्वल टू साइन x, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह पे ये y इज इक्वल टू साइन x फंक्शन आता है, उसका ग्राफ का भी यूज काफी जगह आता है। तो y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ देखिए कैसे बनेंगे, ये x ले लीजिए, ये y है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां तक जाती है, प्लस वन तक, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन तक। तो ये वन और ये माइनस वन, उसके बाद पाई बाई टू पे वैल्यू क्या हो जाती है, वन, पाई पे वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, थ्री पाई बाई टू पे फिर से वन, एंड टू पाई पे अगेन जीरो, और ये ग्राफ ऐसे चलता रहेगा। तो इस तरफ भी इस तरह का ऐसा प्लॉट खींच दीजिए ताकि ग्राफ बनाने में आपको इजी पड़े। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, है ना, ये आगे ऐसा बढ़ते जाएगा और इस तरफ ऐसा, ये माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू, माइनस टू पाई, थ्री पाई बाई टू, टू पाई, ये ग्राफ नेवर एंडिंग है, चलते रहेगा। तो ध्यान से देखिए, ग्राफ देखिए काफी कुछ समझ में आता है। जो साइन एक्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में, हम देख चुके। तो जीरो से लेके 80 तक साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और जीरो से 90 तक वाई की वैल्यू लगातार बढ़ती है और 90 के बाद लगातार घटती जाती है, और फिर पाई पे जाके क्या हो जाती है, जीरो। एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो ये ग्राफ एकदम आपको ध्यान में रखना, क्लियर है, थोड़ा और अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं अपन कॉस एक्स का। y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, x है, ये y है। तो देखिए कॉस एक्स की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड मिनिमम वैल्यू माइनस 1 है ना, और ये 0 डिग्री पे 1 वैल्यू होती है, और पाई बाय 2 पे, मतलब पाई बाय टू कैसे प्लॉट खींचते जाएंगे, तो ग्राफ स्टार्ट होगा यहां से, देखिए 0 पे मैक्सिमम वैल्यू, फिर जैसे जैसे 90 की तरफ जाएंगे वैल्यू बढ़ेगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में आके नेगेटिव हो जाएगी, सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन पॉजिटिव। ये ग्राफ नेवर एंडिंग है, चलते जाएगा इस तरफ, ऐसा नहीं कि ग्राफ खत्म हो गया, बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होता है, एक्स की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, सारे वैल्यू पॉसिबल है। तो डोमेन होगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, जबकि जो रेंज है, जो वाई की वैल्यू है, वो कहां से कहां आती है, माइनस वन से प्लस वन, क्लियर। डोमेन रेंज का थोड़ा सा कंसेप्ट अपन देखते चल, क्लियर है। तो ये वैल्यू है पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, टू पाई, ऐसे बढ़ते जाएगा इस तरफ, ये जीरो, माइनस पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाई टू, सॉरी ये गलत हमने लिख दिया, ये हो जाएगा आपका पाई, ये थ्री पाई बाई टू और ये टू पाई, समझ रहे। वैसे ये माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू, माइनस टू पाई, एक साइकिल देखिए इसका टू पाई का है, फिर ये रिपीट होते जाएगा होते जाएगा, क्लियर। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं y इज इक्वल टू टेन एक्स, तो जितना ज्यादा ये बेसिक चीजें आपकी स्ट्रांग होंगी उतना आपको 11 12 में पढ़ने में बहुत आसानी जाएगी, और अगर आप बेसिक स्ट्रांग नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। देखिए टाइम है, टेन एक्स के लिए ग्राफ बनाना, तो अगेन पाई बाई टू का प्लॉट करते जाइए इस तरह से, ये बस कंस्ट्रक्शन लाइन है,
ध्यान से देखिए, ये वैल्यू है पाई बाय टू, पाई थ्री पाई बाय टू, टू पाई, ये माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाय टू एंड टू पाई। तो टेन एक्स जो होता है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ये देखिए पाई बाय टू पे इंफिनिटी हो जाता है, दिख रहा है आपको? वैसे ही इस तरफ भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा। तो टेन एक्स के लिए आप थोड़ा भंगड़ा स्टाइल में डांस याद रख सकते हैं इस तरीके से। ऐसे ऐसे अगर आप डांस करते जाए तो टेन एक्स का आपको ग्राफ मिलते जाएगा। क्लियर? देखिए सेम उसी तरीके से। अब देखिए कोसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स का ग्राफ जल्दी से देखते हैं। तो अब देखते हैं 13th पे y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। पाई बाय टू कैसे प्लॉट खींच लीजिए। और इस तरफ भी फिर वन और ये माइनस। क्लियर? ये हो गया आपका एक्स, ये वाई है, ये ओरिजिन 0,0 और ये वन एंड माइनस वन का लाइन है। तो कोसेक एक्स जो है वो वन के ऊपर रहता है और माइनस वन के नीचे रहता है। तो देखिए इसका ग्राफ आएगा इस तरीके से, पाई बाय टू, पाई, टू पाई बाय टू एंड टू पाई, है ना। फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव। उसके बाद ग्राफ कुछ इस तरीके से नीचे आ जाता है, फिर इस तरफ और फिर ऊपर इस तरफ, समझ रहे? और ये चलते जाएगा, ग्राफ रुकेगा नहीं, इधर और फैलते जाएगा, उधर भी फैलते जाएगा। क्लियर? तो y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, क्लियर है ना। साइन जीरो जीरो होता है तो कोसेक जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसीलिए देखो जीरो पे जो वैल्यू है वाई की वो क्या हो रही है, इन्फिनिटी को रीच कर रही। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेक एक्स का, वाई इज इक्वल टू सेक एक्स, सेकेंड लास्ट ग्राफ है हमारा। प्लॉटिंग कीजिए, है ना। ग्राफ या तो नीचे आएगा या तो ऊपर आएगा, थोड़ा सा इधर हो गया। उसके बाद पाई बाय टू, और इस तरफ भी पाई बाय टू, पाई, थ्री पाई बाय टू, टू पाई, और ये माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाय टू, माइनस टू पाई। क्लियर? ये वन है और ये माइनस वन है। तो सेक एक्स कुछ इस तरीके से होता है। तो देखिए cos 0 1 तो sec 0 भी 1 होगा, है ना। और इस तरीके से 90, cos 90 0 होता है तो sec 90 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। और cos जो है वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। बाकी थर्ड और सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। इसीलिए y की जो वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। क्लियर? आज का लास्ट ग्राफ देखते हैं y इज इक्वल टू cot x का। तो जल्दी से देखते हैं, रफ करते हैं इसको।
जीरो पाई बाय टू पाई थ्री पाई बाय टू टू पाई माइनस पाई बाय टू माइनस पाई माइनस थ्री पाई बाय टू एंड माइनस टू पाई। क्लियर? तो देखिए जैसे 10 में आपने इस तरीके से भंगड़ा किया था, क्वार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट ऐसे भंगड़ा करना पड़ेगा। क्लियर? तो जो क्वार्ट का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखिए, और याद रखिएगा कि ग्राफ स्टार्ट कहां से होता है, 10 कुछ यहां से स्टार्ट होकर इधर गया था और क्वार्ट इधर से स्टार्ट होकर इधर गया था, फिर ये साइकिल जो है रिपीट होता रहेगा। तो 10 में ऐसे ऐसे किए थे आप क्वार्ट में ऐसे डांस करते हुए कॉर्टेक्स का ग्राफ बनाते। चलिए तो होप ये वीडियो आपको जो है काफी ज्यादा काम में आएगा, है ना, बेसिक सुधारने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो ना देखना भूले जिसमें अपन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ देखने वाले हैं, मतलब कैसे स्टैंडर्ड ग्राफ से अपन कैसे कॉम्प्लेक्स ग्राफ कैसे बना। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं।